हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। सातवें वेतन आयोग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हैं, घंटी के निशान को नहीं प्रेस करते हैं, तो आप तक हमारा कोई वीडियो नहीं पहुंचेगा। इसके लिए आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं सर, ये सेवन पे कमीशन से लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। उत्तर प्रदेश की खबर है, यूपी की खबर है। चलिए आपको न्यूज़ पूरी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सोमवार 3 जून 2019 को सातवें वेतनमान और डीएनएस अलाउंस से डीए की दूसरी किस्त चुकाने से जुड़ा आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को इसका एरियर भुगतान कर दिया जाए, जबकि जुलाई से दिसंबर 2016 के दौरान का 2% एरियर का पेमेंट भी किया जाए। लखनऊ स्थित वित्त विभाग ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से 16 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। हालांकि इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से स्थानीय रिपोर्ट में बताया गया है कि एरियर की दूसरी किस्त चुकाए जाने से लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर आएगा। जानकारी के मुताबिक एरियर की रकम का 80% हिस्सा जीपीएफ पीपीएफ एनएससी में इन्वेस्ट होगा, वहीं 20% रकम का पेमेंट इनकम टैक्स के तहत होने वाली कटौती के बाद कैश में कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में सरकार ने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ जनवरी 2017 से दिया था, जिसकी वजह से एक साल का एरियर बकाया रह गया था। सरकार ने इसे 2 किस्तों में चुकाने का फैसला लिया है। इसकी पहली किस्त 2018 में दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को भी गुड न्यूज़, जल्द यूपी सरकार के हाल ही फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी। दरअसल ये कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन से 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, पर मोदी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में उनकी मांगें पूरी ना हुई। हालांकि चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि नतीजे से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कोई अहम फैसला लेगी, मगर आदर्श आचार संहिता के चलते वैसा कुछ नहीं हो पाया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संकेत दिए थे कि सरकार केंद्रीय मंत्रियों की मांगों पर बेहद गंभीर है। तो इसमें दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ जो आई है, सभी यूपी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है बकाया और बाकी जो भी 2017 से लगाया हुआ था बाकी सब मिल जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि उनके 18,000 रुपये से न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की मांग को लेकर जो है सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन।